पिछले 1.5 साल से इंडिया पाकिस्तान के अंदर एशिया कप ना करवाने का तहिया कर चुका है ओपनली ब्लंटली। उसने इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी में भी और तमाम जितने ममालिक हैं जहां क्रिकेट खेली जाती है उनको क्लियर कट मैसेज दे दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर एशिया कप होगा तो इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, हम एशिया कप पाकिस्तान नहीं होने देंगे। और फिर एशिया कप जो कि पाकिस्तान में होना था अब उसको शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाया जा रहा है। अच्छा बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाक में बीसीसीआई ने पहले ही दम किया हुआ था। और शायद अफरीदी की खोपड़ी में मार दिया मोदी जी ने डंडा। चोट लग गई है, बावला हो गया है, मोदी 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 करता फिर रहा है। अब ये मोदी के बीजेपी मोदी की बात, अब ये मोदी के बीजेपी मोदी की बात। जैसा कि आपको पता है एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला था और उसके बाद वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होने वाला है, तो एशिया कप होने वाला था है नहीं। ये जो फैसला होना था ये ऐसे ही नहीं होना था। सबसे अहम बात जो है इसमें डिस्कस किया गया है, कहा यह गया कि मीटिंग हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी हैज डिसाइडेड टू मूव एशिया कप 2023 फ्रॉम पाकिस्तान टू श्रीलंका। गजब बेइज्जती है। तो भैया बीसीसीआई बहुत समझदार है, उनको पता है इन जिहादियों के अंदर इन आतंकवादियों के अंदर हमारे खिलाड़ियों को भेज दिया तो निपटा देंगे। ये फिक्र ना करें, जो हमारी टीम की सिक्योरिटी करेंगे पुलिस वाले आर्मी वाले वो खुद सेफ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अभी 2 दिन पहले 6 आर्मी वालों को उड़ा दिया टीटीपी ने। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में पाक फौज के 6 जवान शहीद हो गए। आए दिन टीटीपी वाले इनके पाकिस्तान में कहीं ना कहीं विस्फोट कर देते हैं, किसी को भी उड़ा देते हैं, और इनका मेन टारगेट ही पुलिस वाले और फौजी होते हैं। भाई तुम्हारी फौज पुलिस तक की तो तुम सुरक्षा दे नहीं पा रहे, और वही फौज और पुलिस हमको कैसे सुरक्षा देगी पाकिस्तानियों? गाली तो बहुत देते हो तुम मुझे, लेकिन हमें बताओ तो सही। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पीसीबी भूखा नंगा क्रिकेट बोर्ड है। अब भारत नहीं आएगा तो फिर टूर्नामेंट कैसे चलेगा? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कैसे बिकेंगे? डॉलर कैसे आएंगे? इसीलिए शायद अफरीदी बिलबिला रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है। तो चलते हैं पाकिस्तान और शायद अफरीदी लाला के मजे लेते हैं। क्योंकि बकचोदी ट्रैवल करती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज़ हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप, फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा। क्या करना चाहिए इस वक्त पीसीबी? मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन है। सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो? सिंपल इज दैट। तुम मोदी जी से क्यों परेशान होते हो भाई? इसके बाद तो योगी जी है, अमित शाह बैठे हैं, लाला बल्ले के साथ कबर ही पहुंच जाओगे। मैच तो होने से रहे, वो भी पाकिस्तान में। अबे साले, वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक है ना? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और वो नुकसान ही देंगे, फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो फंस गया। पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। हाँ, आप कैसे मना कर सकते हो वर्ल्ड कप में जाने से, मुझे ये बताओ। वो तो आईसीसी का इवेंट है। बिल्कुल, और आईसीसी का बहुत क्लियर स्टांस है, उनका क्लियर है, आपको ना वर्ल्ड कप की जो अमाउंट मिलती है वो मिलेगी। इनका अगले पाकिस्तानियों को पैसे की टेंशन लगी रहती है कि पैसे नहीं मिलेंगे। जो आपसे जो टीम नीचे की है जो अभी क्वालिफाई नहीं हुई, शायद साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल आता है क्वालिफाई होना, वो क्वालिफाई कर जाएगी, एंड आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग जेपरडाइज। सो आईसीसी का तो बहुत क्लियर एक स्टार्ट। बट लाला एक चीज, एक और चीज, जब हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करते हैं, सो सिर्फ ये नहीं होगा, बिकॉज सारे बोर्ड मेंबर्स को अग्री करना पड़ता है अगर कोई इवेंट कैंसिल करना हो या न्यूट्रल वेन्यू पे जाना हो, ठीक है? तो एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बीसीसीआई से तो खराब होंगे ही, ठीक है, मगर साथ ही साथ क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड भी अग्री करेगा, बांग्लादेश बोर्ड भी अग्री करेगा, एंड अफगानिस्तान बोर्ड भी अग्री करेगा, यानी हमारे इस ब्लॉक से ताल्लुकात खराब हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको देखा है सवेरा, और मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि वो अफगानिस्तान श्रीलंका इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको, वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे चेयरमैन या हमारे बोर्ड का श्रीलंका अफगानिस्तान इनके साथ रिलेशनशिप कैसे है हमारे। ये तो अंदर ही अंदर जो भी पकड़ा होगा वो आखिरी दिनों में जब आप सेठी साहब को क्या सजेस्ट करेंगे? लाला ही लुक्स टू बी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन बाय द वे।
सिडी साहब मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि उनके सर्कल में वो मशवरा लेते किससे हैं, ठीक है, क्या प्लान उनका प्लान बी क्या है, प्लान ए प्लान बी होने चाहिए, अगर ये नहीं तो भाई आपके पास प्लान बी होना चाहिए। बिल्कुल लाला, प्लान ए प्लान बी दोनों फेल हो चुके हैं, अब प्लान सी की तैयारी करो। देखें जी, ये अंडरस्टूड था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था जब पाकिस्तान ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और पाकिस्तान ने इस पे जो स्टैंड लिया था उस वक्त नजम सेठी साहब ने, तो मेरे बिल्कुल यही अल्फाज थे कि सेठी साहब बड़े मायानास किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे नजरियात और ख्यालात के हामिल हैं, लेकिन ये स्टैंड पता नहीं उन्होंने कहाँ से ले लिया। क्योंकि इस स्टैंड का मतलब क्या निकलता है नटशाल में, ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो नहीं है ना कि उसको दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया जाए, जबकि हिंदुस्तान की ये स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, कोई खुफिया कंस्पिरेसी नहीं है, स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है बाकायदा वार्न करके कि हम आपको आइसोलेट करेंगे। ये मोदी साहब ने बाकायदा जो है पब्लिक जलसों में खताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की एकड़ी जो है वो निकाल देंगे, बल्कि आधी से ज्यादा तो इस वक्त तक निकल जानी चाहिए थी, मेरे ख्याल में सब कुछ निकल गया लेकिन एकड़ी बाकी है। अब ये सेठी साहब को उस वक्त सोचना चाहिए था कि हम एक ऐसी पॉलिसी पे जा रहे हैं जिसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास जो है मसल्स नहीं है, वसाइल्स नहीं है, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंसर्न पार्टीज इस गेम में इन्वॉल्व है हमें उनकी हमायत हासिल नहीं है। आप इस तरह की बात करने से पहले सबसे पहले तो ये देखें ना कि आप पहले इंडिया को कहें कि जी आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, तो पहले तो आप ये देखेंगे ये जो फोरम है जो डिसीजन मेकिंग का, इसमें कितने मुल्क बैठे हुए हैं और उसमें से कौन कौन है जो आपके साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसकी ये क्लासिकल एग्जांपल है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी उसके खिलाफ वोट दे गया और उसने कहा कि हम जो है वो ये इवेंट जो है वो श्रीलंका में होना चाहिए। अब इसकी एक वजह तो मैं आपको ये बताऊं ना कि ये जो आप इस तरह की इरिटेटिंग किस्म की पॉलिसीज बनाते हैं कि हर मामले में जो है वो इंडिया को लेके बैठ गए, हर मामले में आपका इंडिया के साथ झगड़ा है, कोई रीजनेबल अनरीजनेबल किसी भी सतह पे चले जाएं आपका झगड़ा ही झगड़ा है, लोग भी तंग आ गए कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या इन्होंने जो है वो हर चीज में जो है क्रिकेट से लेके कल्चर तक और फिल्म से लेके जो है लिटरेचर तक कहीं को बात हो तो इन्होंने अपना राग लगाया होता है कि हम ये नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको हजीमत, इससे बड़ी शिकस्त, इससे बड़ा इबरतनाक मैसेज और कोई नहीं है। ये फोरम कितना अहम है नहीं है बात ये नहीं है, बात ये है कि ये एक इंडिकेशन है। नहीं मैसेज बड़ा अहम है, देखिए पूरी दुनिया अगर नहीं भी मानते चले आप कहते हैं जी खेल का फोरम है, लेकिन ये एक चीज की इंडिकेशन है कि अब आप जो आइसोलेशन की आखिरी हद तक पहुंच गए। अफगानिस्तान जिसको आप अपना पांचवा सूबा बनाने का ख्वाब देखते थे वो भी आपके खिलाफ इतने क्रिटिकल इशू पे जाके तो वोट दे देता है इंडिया के हक में। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये जो है एक खौफनाक सिचुएशन है और इसमें किसी का कोई कसूर या किसी की कोई बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की लीडरशिप का अपना फेलियर और उनका जो बंद दिमाग जिसको आप कहते हैं ना क्लोज्ड माइंड एटीट्यूड है और अपनी कैपेसिटी की अननेसेसरी ओवर असेसमेंट है कि पता नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आप बताएं कि इसमें आपके पास कितने ऑप्शन है। आप अब ये कहें कि हम जी श्रीलंका नहीं जाएंगे तो ना जाएं, उससे किसी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद आप कहें जी हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो इसे किसकी सेहत पे असर पड़ेगा। यही तो असल प्रॉब्लम है कि आप एक ऐसा चैलेंज दे रहे हैं जिसके लिए आपके पास ना तैयारी है, ना आपकी वो कैपेसिटी है, ना आपके पास वो रिसोर्सेज, और आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें शिकस्त आपका मुकद्दर है। खैर वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपका क्या नजरिया है और आपके क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पहल दीजिए और लाइक टारगेट रख लेते हैं 12,000 करवाए दोगे इतने तो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।